Hello friends, today we will discuss GPS number 5 of kinematics. So questions which I will discuss today are 1, 6, 7, 8, 18, 19 and 20. Okay, so let's start with first question. A person at the masthead of a sailboat moving at constant velocity in a straight line drops a wrench. The masthead is 20 meters above the boat's deck and the stern of the boat is 10 meters behind the mast. So, question number 1. This is a boat, okay? This base is known as deck, okay? And the front part is known as this pillar type something. Isko hum masthead bolte hain, theek hai? Aur this is stern. Back part is stern and front part of the boat is known as poop. ठीक है? तो suppose ये boat v कुछ v velocity से आगे बढ़ रही है. ठीक है? एक simple सा diagram बना लेते हैं. ये base है और ये pillar है. यहाँ से एक object को drop किया जा रहा है. Wrench मतलब होता है एक equipment होता है. तो एक equipment को यहाँ से drop किया जा रहा है. तो सपोज बोट अगर आगे v वेलोसिटी से चल रही है तो जिस टाइम हम इसे ड्रॉप करेंगे उसकी भी आगे की तरफ v वेलोसिटी होगी, कुछ भी वेलोसिटी होगी. तो जब हम उसे ड्रॉप करेंगे तो ऑब्वियसली वो इसी पे लैंड करेगा. रिलेटिव टू दिस उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसको relative to the boat, relative to ground इसकी velocity भी v होगी और इसकी velocity भी v होगी, but relative to boat इसकी velocity क्या हो जाएगी, पीछे भी zero, zero हो जाएगी. तो obviously बात है कि अगर इन दोनों की horizontal velocity zero है और अगर कोई object को आपने drop किया है तो वो boat पे ही land करेगी. तो question ये है, is there a minimum velocity the sailboat can have in order that the wrench not land on the deck? So the answer is no. There is no minimum velocity. Chahe boat ki kitni hi velocity ho, wo hamesha boat ke deck pe hi land karega. Thik hai? Ek dusra case hum lete hain. Suppose boat accelerated hai. To in that case, agar boat accelerated hai, in that case, ऐसा हो सकता है कि ये बोट के डेक पे लैंड ना करे, ठीक है? लेकिन अगर ये दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो वो हमेशा बोट के डेक पे ही लैंड करेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द एज ऑफ अ क्लिफ विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. क्लिफ मतलब पहाड़ होता है ऐसे ही. तो यहाँ से सपोज एक बॉल को ड्रॉप किया हुआ है, किया गया है, वर्टिकली ऊपर ड्रॉप किया है ऐसे. दिस इज ग्राउंड विथ मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड. हाउ फास्ट इट इज मूविंग आफ्टर हाफ सेकेंड लेटर. हाफ सेकेंड के बाद कितना फास्ट मूव करेगी, किस डायरेक्शन में मूव करेगी. तो जब बोट अपनी, जब ये बॉल अपनी हाईएस्ट पॉइंट में जाएगी तब तक उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड. हाईएस्ट पॉइंट के बाद दिस इज नोन एज टर्निंग पॉइंट, दिस इज आल्सो नोन एज टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट. तो टर्निंग पॉइंट के पहले बोट बॉल की जो स्पीड होगी वो अपवर्ड होगी. टर्निंग पॉइंट के बाद बॉल की स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी.
तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि उसका टर्निंग पॉइंट कितनी देर के बाद आता है। तो टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू बी 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन इज माइनस जी, सो टाइम वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो टी विल बी वी माइनस यू बाय ए, दैट इज 6 बाय जी, माइनस 6 बाय माइनस जी, 6 बाय जी, दिस कम्स आउट टू बी 0.6 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। जी की वैल्यू 9.8 लेना, 0.6 सेकेंड, ठीक है। तो 0.6 सेकेंड में वो यहाँ पहुँच रही है। 0.6 सेकेंड तक तो उसकी वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, 0.6 सेकेंड, ओके। हाउ फास्ट इट इज मूविंग हाफ सेकेंड लेटर, हाफ सेकेंड लेटर मतलब कि 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड में यहाँ कहीं पे होगी। तो 0.5 सेकेंड में उसकी स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 माइनस 9.8 इंटू हाफ, दिस विल बी हाउ मच? 6 माइनस 4.9, दैट इज 1.1 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 1.1 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपवर्ड, इस इंटरवल पे डायरेक्शन अपवर्ड, ठीक है। हाउ फास्ट इज इट मूविंग 2 सेकेंड लेटर, इन वॉट डायरेक्शन? 2 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद मतलब कि 2 सेकेंड के बाद कुछ यहाँ कहीं पे भी, यहाँ कहीं होगी 2 सेकेंड के बाद, ठीक है। ये 0.6 सेकेंड ये चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा? जैसे उसको यहाँ से यहाँ तक आने पे 2 सेकेंड लग रहा है, 0.6 सेकेंड उसको यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए 1.4 सेकेंड बचा, ये टाइम 1.4 सेकेंड हुआ। तो उसकी ये तो श्योर है कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी, डाउनवर्ड। स्पीड बस उसकी अब स्पीड निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम इज 1.4 सेकेंड, पुट द वैल्यूज, वेलोसिटी विल बी यू प्लस 80, 9.8 इंटू 1.4, दिस कम्स आउट टू बी 13.6 मीटर पर सेकेंड, 13.6 मीटर पर सेकेंड, इट विल बी 13.6 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स, ओके। नेक्स्ट वील डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। सो अ पर्सन इन अ क्लोज्ड एलिवेटर विथ नो फ्लोर इंडिकेटर डज नॉट नो वेदर द एलिवेटर इज स्टेशनरी, मूविंग अपवर्ड अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, और मूविंग डाउनवर्ड विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। To try to find out, the person drops a coin from a height of 2 meter and times its fall with a stopwatch. What would be noted in each case? हर केस पे क्या नोट होगा? तो सबसे पहले तो फर्स्ट केस हम लेते हैं जब लिफ्ट स्टेशनरी है, ओके, व्हेन एलिवेटर इज स्टेशनरी। एलिवेटर स्टेशनरी है तो हाइट क्या है? 2 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज जी, तो टाइम कितना हो जाएगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 0, टी इज इक्वल टू 2s/a√, दैट इज 2 × 2 / 9.8√। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.64 सेकेंड, 0.64 सेकेंड। जब एलिवेटर स्टेशनरी है तब 0.64 सेकेंड लगता है, ठीक है। सेकेंड केस हम लेते हैं व्हेन इट इज मूविंग अपवर्ड विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, लेट्स से वी, व्हेन इट इज मूविंग अपवर्ड विथ
constant velocity v. Okay, in that case ये लिफ्ट है, ठीक है, और यहाँ से 2 मीटर की हाइट से कॉइन को ड्रॉप किया जा रहा है, ये वी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, तो कॉइन की भी तो वी वेलोसिटी होगी ऊपर साइड, कॉइन की भी ऊपर की तरफ वी वेलोसिटी होगी. विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दोनों की वेलोसिटी वी होगी, बट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? देखो अगर ये ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, और ये आगे की तरफ जा रहा है कुछ वी वन वेलोसिटी से, ओके, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी और ये आगे की तरफ जा रहा है वी टू वेलोसिटी से, तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. तो हम कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए को रेस्ट में लाते हैं. ए को रेस्ट में लाने के लिए इसको v1 पीछे ले जाओ, इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ, इसमें v1 माइनस करते हैं, तो इसमें भी v1 माइनस करते हैं ए के रेफरेंस फ्रेम में आने के लिए, तो ये कितना हो जाता है टोटल 0, और ये हो जाता है v2 माइनस v1. सो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज हाउ मच? v2 माइनस v1, ठीक है, जिसके भी रिस्पेक्ट पे हमको दूसरे किसी भी रेफरेंस फ्रेम में अगर हमको दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, उस रेफरेंस फ्रेम को 0 वेलोसिटी में कर देते हैं, ठीक है, सारे रेफरेंस सारे ऑब्जेक्ट से वी वेलोसिटी माइनस कर लेते हैं, तो हमें इसकी वेलोसिटी मिल जाती है. तो हम इसमें भी कुछ ऐसे ही करेंगे, हमें विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो v माइनस करेंगे, यहाँ पे भी v माइनस हो जाएगा 0, तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, रिस्पेक्ट लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में सिचुएशन क्या बन जाएगी कि ये है 2 मीटर की हाइट है और इनिशियल वेलोसिटी 0. सेम सिचुएशन बन गई यहाँ के जैसे, तो टाइम कितना हो जाएगा सेम, t2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0.64 सेकेंड, ठीक है. थर्ड केस क्या है, When it is moving downward with constant velocity, जब वो नीचे जाएगी downward with constant velocity, again same thing, v, this height is 2 meter, ऊपर की तरफ v, इसको 0 में लाने के लिए तो इसमें भी v add होगा, 0, 0, stationary है, तो again t3 will also be equal to 0.64 seconds, okay? Now next is question number 8. A hunter aims a rifle directly at a squirrel on a branch of a tree. The squirrel sees the flash of the rifle's firing. Should the squirrel stay where it is or drop from the branch in free fall the moment the rifle is fired? जब rifle यहाँ से fire की जा रही है, तब squirrel यहाँ पे एकदम इसके सामने, ठीक है, जस्ट आफ्टर द मोमेंट द राइफल इज फायर्ड, राइफल की आगे की तरफ, जस्ट आफ्टर द मोमेंट इट इज फायर्ड, राइफल की आगे की तरफ वेलोसिटी कुछ होगी लेट्स से वी, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा दैट इज इक्वल टू जी, ठीक है. तो राइफल का जो मोशन होगा वो थोड़ा सा इस टाइप का होगा, ठीक है. अब हम स्क्विरल की बात करते हैं, अगर ये यहीं पे रहती है, अगर इफ इट स्टेज देयर ओनली, तो स्क्विरल यहां पे होगी. अगर स्क्विरल नीचे नहीं गिरती है तो स्क्विरल जहाँ पे है वहीं पे होगी, लेकिन अगर स्क्विरल नीचे इसमें क्या दे रखा है, फ्री फॉल है ना, और ड्रॉप फ्रॉम द ब्रांच इन फ्री फॉल, तो अगर ये फ्री फॉल करती है तो इसका भी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा जी,
दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं तो ये भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी, वर्टिकल डिस्टेंस दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस में सेम एक्सेलरेशन है, एक साथ स्टार्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो दोनों सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो अगर ये फ्री फॉल करती है तो सेम, तो उस टाइम के बाद जब राइफल यहाँ आएगी तब ये स्क्विरल भी यहाँ पे रहेगी, इन दैट केस राइफल विल हिट द स्क्विरल। तो स्क्विरल को अगर बचना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, शी हैज टू स्टे देयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड हैज एन एक्सेलरेशन दैट इज स्टोन, वेदर इट इज थ्रोन अपवर्ड, वेदर इट इज थ्रोन डाउनवर्ड, वेदर इट इज जस्ट ड्रॉप डाउन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा जी ही रहेगा ना, नीचे की तरफ, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही होगा, स्मॉलर दैट द स्टोन थ्रोन डाउनवर्ड, नो द सेम एज दैट ऑफ स्टोन थ्रोन डाउनवर्ड, सेम होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज सेम। क्वेश्चन नंबर 19। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ रूफ एट द सेम टाइम एज अनदर बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द रूफ, द टू बॉल्स हैव सेम वेलोसिटी सेम एक्सेलरेशन और वट एवर। तो दोनों बॉल को एक साथ रूफ से फेंका गया है, एक को क्या किया गया है सीधे नीचे फेंक दिया गया है, सपोज ग्राउंड इतनी दूर पे, और एक को क्या किया गया है पहले ऊपर फेंका गया है और फिर वो पलट के नीचे आई है। डिस्टेंस कवर्ड पहली वाली का कम होगा दूसरी वाली से, ठीक है, वेलोसिटी भी पहली वाली की और दूसरी वाली की अलग अलग होगी। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सपोज ये हाइट h1 है तो इसकी ये इट इज ड्रॉप डाउन तो इसकी वेलोसिटी √2gh1 हो जाएगी, और इसे सपोज किसी भी वेलोसिटी से फेंका गया हो कोई हाइट यहाँ पे जाने के बाद तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो ही जाएगी। तो सपोज ये हाइट है आपकी h2 तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी √2gh2, तो वेलोसिटी तो इनकी सेम नहीं है, टाइम टेकन भी सेम नहीं होगा, वेलोसिटी भी सेम नहीं है, डिस्टेंस भी सेम नहीं है, टाइम टेकन सेम नहीं होगा, क्या सेम होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे जी ही लगेगा और इसको भी हमेशा जी ही लगेगा, सो हैव द सेम एक्सेलरेशन व्हेन दे रीच द ग्राउंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। अ बॉल ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ रूफ एट द सेम टाइम एज बॉल बी इज हॉरिजॉन्टली थ्रोन फ्रॉम द रूफ। एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है सिर्फ, ठीक है, और तो उसका मोशन बस उसको बस नीचे की तरफ वर्टिकल एक्सेलरेशन जी लग रहा है, दूसरी बॉल को कुछ हॉरिजॉन्टल स्पीड भी दे दी गई है लेकिन वर्टिकली इसको भी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जी ही लगेगा, ठीक है। तो बॉल ए, दिस इज बॉल ए एंड दिस इज बॉल बी, ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ, ओके, रीचेज द ग्राउंड फर्स्ट। देखो इसको नीचे आने के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है इन दोनों बॉल का, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किस पे डिपेंड करेगा, इनके वेलोसिटी के वर्टिकल कॉम्पोनेंट में, इनके वर्टिकल कॉम्पोनेंट की वेलोसिटी इनिशियल दोनों जीरो है, एक्सेलरेशन बराबर है, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम फॉर बोथ, विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट तो दोनों के लिए सेम ही होगा। तो रीचेज द ग्राउंड फर्स्ट, नो, रीचेज द ग्राउंड लास्ट, नो, हैज द ग्रेटर वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड, नो, वेलोसिटी भी सेम ही होगी वर्टिकल, हैज द स्मॉल, ओके, वेलोसिटी जब ये नीचे आएगी तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी √2gh, ठीक है, पर ये बॉल जब नीचे आएगी इस तरीके से नीचे आएगी एट दैट इंस्टेंट इसकी नीचे की तरफ वर्टिकल, आई विल मेक इट हियर, इस इंस्टेंट पे इसकी नीचे की तरफ वर्टिकल वेलोसिटी तो √2gh ही होगी,
लेकिन हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी वी होगी, तो ओवरऑल इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट विल बी 2gh प्लस वी, वी स्क्वायर, रिजल्टेंट ये हो जाएगी। अगर उसने पूछा होता कि वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होता, बट टोटल वेलोसिटी पूछा गया है, राइट, ग्रेटर देन, हाँ, हैज द ग्रेटर वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, नो, ए विल हैज, ए विल हैव स्मॉलर वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, बी विल हैव ग्रेटर वेलोसिटी, ओके।